फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। गुलाब के पौधे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ने फोटोज़ भी शेयर किए हैं प्लांट्स के, जो कि अच्छी हालत में नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है प्लांट्स की। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये हमारा एक प्लांट है जो कि लगभग बेकार ही हो चुका है, क्योंकि इसको हमने जब रिपोर्ट किया था तो बिना मिट्टी हटाए किया था, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि आप बिना सॉयल हटाए ही हमें इसको रिपोर्ट करके दिखाया कीजिए, क्योंकि सॉयल हटाने में प्लांट्स मर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीडियो नंबर 190 अगर आप चेक करेंगे तो इस पर अभी आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रेनी सीज़न की। रेनी सीज़न वैसे सभी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन गुलाब के पौधे के लिए यानी रोज़ प्लांट्स के लिए रेनी सीज़न अच्छा नहीं होता है। इस समय प्लांट ओवर मॉइस्चर के कारण मर जाते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, वेल ड्रेन्ड सॉयल नहीं है, पानी रुकता है मिट्टी में, तो बारिश से आप बचा कर रखिए गुलाब के पौधों को, और इस समय प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस समय प्लांट को बचाना ज़रूरी है। और आने वाले मौसम में यानी सेप्टेम्बर लास्ट से अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका प्लांट फिर से ठीक हो जाएगा। तो ये एक हमारा प्लांट है जिसको हमने ऐसा का ऐसा रिपोर्ट कर दिया था। तो इसमें देखिए, ऊपर से तो पहले बालू मिट्टी थी और अंदर इसमें ये राइस हस्क है, और इसमें एक और अंदर की तरफ दूसरी सॉइल आपको दिखाएंगे अभी। तो हमने इसको ऐसा का ऐसा ही रिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि व्यूअर्स को ऐसा लगता है, या जो हमारे दूसरे जो रोज़ प्लांट ग्रो करते हैं वो नर्सरी से प्लांट लाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बालू मिट्टी में लगा हुआ है और वो इसको ऐसा का ऐसा रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऊपर की ये बालू मिट्टी की लेयर होती है, ये नर्सरी में लाकर बनाई जाती है। यानी कि ये प्लांट जब बाहर से आते हैं, तो जब ये नर्सरी में आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक पॉलीबाग में लगा देते हैं और उसमें बालू मिट्टी भरकर लगा देते हैं। क्योंकि ये बाहर से जब आता है प्लांट, तो ये राइस हस्क में, चिकनी मिट्टी में, ये लाल मिट्टी में लगा हुआ आता है, और बालू मिट्टी में नर्सरी में आकर इसको लगाया जाता है, और फिर ये हमारे घर आ जाता है और हम इसे ऐसा का ऐसा ही लगा देते हैं। लेकिन इसको ऐसा कैसा हमें नहीं लगाना चाहिए, हमेशा इसकी सॉइल को हटाकर ज़रूर देखना चाहिए, जो कि वीडियो नंबर 190 में आप चेक कर सकते हैं। उसमें रेड सॉइल में लगा हुआ प्लांट था, उसको हमने सारी रेड सॉइल हटाई, क्योंकि हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं चलती है। ये जो पुणे वगैरह में, मुंबई में, बेंगलोर में, वहाँ पे लाल मिट्टी चलती है, हमारी तरफ लाल मिट्टी नहीं चलती है, तो नॉर्मल सॉइल में ही हम लगाते हैं। तो देखिए, अभी रूट्स ठीक हैं, तो अगर ये प्लांट ठीक हो सकता होगा तो हम ज़रूर इसको ठीक करेंगे। लेकिन फिर भी आज इसकी पूरी हम आपको कंडीशन दिखा देते हैं क्या है। तो पहले ऊपर बालू मिट्टी थी, अंदर गए तो इसमें राइस हस्क यानी जो चावल की भूसी होती है उसमें लगा हुआ था प्लांट, और अब आप इसके और अंदर जाएंगे यानी कि जो मेन रूट बॉल है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। और चिकनी मिट्टी वही जो हम जो बचपन में खिलौने बनाया करते थे, या जो कमल के पौधे के लिए जो चिकनी मिट्टी हम आपको बताते हैं वो जो होती है, तो ये वही चिकनी मिट्टी है। और चिकनी मिट्टी में गुलाब की रूट्स बिल्कुल नहीं फैल सकती हैं। अगर एक बार को ज़मीन में लगा हुआ है फिर तो प्लांट ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन पॉट में तो ये बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा। ओवर मॉइस्चर के कारण और रूट्स फैलने के ना कारण ये प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। अगर आपको खुद ट्राई करना है, तो अगर आपका कोई रोज़ प्लांट मर रहा होगा, ख़राब हो रहा होगा, तो ज़रूर उसको आप बाहर निकाल कर उसकी सॉइल ज़रूर देखिएगा। तो ऊपर से तो हम इसको सॉइल मिक्सचर अच्छा दे देते हैं, लेकिन जो मेन रूट बॉल है उसका क्या, उसे ओवर मॉइस्चर मिल रहा है जिसके कारण वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेगा। आप ऊपर से कितनी भी देखभाल कर लीजिए, फंजीसाइड का प्रयोग कर लीजिए, फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लीजिए, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लांट को, और वो 100% मरेगा ही। रेनी सीज़न में हम ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन प्लांट बेकार हो रहा है और आपको दिखाना भी ज़रूरी था। तो वो पीछे फंजीसाइड है जो कि हमने हल्का सा रूट्स को इसमें डुबो दिया है। वैसे ये प्लांट शायद नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो इसको हमने एक पिंच लिया था थोड़ा सा फंजीसाइड, उसको पानी में मिक्स किया, और इस पानी को हमने ये रूट्स को हल्का सा भिगा दिया है, और सॉइल अभी गीली है। मिक्सचर जो है ये हमने गुलदाउदी के लिए बनाकर रखा था, लेकिन अभी इसमें प्रयोग करना पड़ गया है, तो इसको हम लगा देते हैं। और जितनी भी डेड ब्रांचेस हैं जो ब्लैक हो गई हैं, उन सभी को कट कर दीजिए, और इस तरह से इसको हमने देखिए लगा दिया है। अब देखेंगे, चलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जो हमें आपको दिखाना था इसकी सॉइल को, वो हमने दिखा दिया है, और ये बताना था कि देखिए कितनी चालाकी की जाती है। सेल करने के लिए अपने यहाँ से प्लांट तो भेज दिया जाता है, लेकिन वो हमारे घर आकर कैसा चलेगा, नहीं चलेगा, उसका कोई नहीं सोचता है। तो ये जो फंजीसाइड था, थोड़ा सा हमने इसमें पानी इसी में ही डाल दिया है, जिससे रूट्स थोड़ी सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से अब हम इसको धूप में नहीं रखेंगे, 2-3 दिन शेड में रखेंगे और फिर सेमी शेड में रखेंगे। वैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश में भी अभी नहीं रखने वाले हैं इसको। तो
इस वीडियो में हमें आपसे ये शेयर करना था कि अगर गुलाब के पौधे को आपको कभी भी डिस्टर्ब करना है, यानी रूट्स को अगर आपको देखना है या चेक करना है या सॉइल चेंज करनी है, बिल्कुल सही समय है अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का। आप हम उस मौसम में कितना भी प्लांट को डिस्टर्ब करेंगे, प्लांट नहीं मरेगा। लेकिन रेनी सीजन में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये प्लांट की हालत आपको दिखानी थी, इसकी सॉइल दिखानी थी, इसीलिए हमने ये काम किया है। एक बार आप वीडियो नंबर 190 ज़रूर देखिएगा और हमेशा अक्टूबर से लेकर जनवरी तक वो काम आप कर सकते हैं जो हमने वीडियो नंबर 190 में बताया है। दूसरे किसी मौसम में आप रूट्स पर से सॉइल बिल्कुल ना हटाएं, नहीं तो प्लांट 100% मरेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।